आज हम कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक सितीज का गद्य खंड शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला अध्याय है नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। नेताजी का चश्मा। जैसे कि पाठ के नाम से ही पता चल रहा है कि किसी नेताजी के चश्मे के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं नेताजी हैं कौन। तो नेताजी किसको कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। अब सुभाष चंद्र बोस कौन है? सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। देश को आज़ाद कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी की थी। तो इस पाठ में नेताजी के चश्मे के बारे में ही बताया गया है। नेताजी का चश्मा नामक पाठ देश प्रेम की भावना से भरी हुई एक कहानी है, जिसके द्वारा देश के नागरिकों को विकास के कार्य करने तथा देश प्रेम की भावना को मजबूत करने की प्रेरणा दी गई है। ठीक है, इस कहानी में तीन पात्र हैं, कैप्टन चश्मे वाला, हालदार साहब और पान वाला। इस कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के देशभक्तिपूर्ण योगदान को उभारा गया है कि सभी लोग अपने अपने तरीके से देश प्रेम तो करते हैं, परंतु वे पर्दे के पीछे रह जाते हैं, सबके सामने आ नहीं पाते हैं। ठीक है, इस कहानी के अनुसार केवल बड़ों में ही नहीं बल्कि बच्चों अर्थात आने वाली पीढ़ी में भी देश प्रेम तथा देशभक्ति की भावना भरी होनी चाहिए। ठीक है, ये इस कहानी में लेखक ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि देश का सामान्य व्यक्ति भी, ठीक है, देश का सामान्य जन भी देश प्रेम की भावना को लेकर देश के निर्माण में अपना योगदान दे सकता है। ठीक है, और इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? हालदार साहब। ठीक है, अब चैप्टर देखते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। ठीक है, हालदार साहब को हर 15वें दिन किसी कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। किस कस्बे से? जिस कस्बे में ये नेताजी की मूर्ति थी। ठीक है, और कस्बा क्या होता है? गांव से बड़ा और शहर से छोटा हो उसको क्या बोलते हैं? कस्बा। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। ठीक है, कुछ पक्के मकान थे और एक छोटा सा वहाँ पर बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, दो ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी थी। तो कस्बे की क्या विशेषता थी? कुछ पक्के मकान, एक छोटा सा बाजार, एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, दो ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका क्या होती है? जो नगर के कामों को संभालती है। ठीक है, जो नगर के कामों को संभालती है। आगे देखते हैं, नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। प्रतिमा मतलब मूर्ति। ठीक है, नगर पालिका नगर के विकास के कार्यक्रम करती रहती है, तो एक योग्य प्रशासनिक अधिकारी, जो नगर पालिका का अधिकारी था, उसी ने नगर के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की क्या बनवा दी? एक संगमरमर की मूर्ति बनवा दी। ठीक है, यह कहानी उसी प्रतिमा यानी उसी मूर्ति के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में, उसके भी मतलब उस मूर्ति के भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। ठीक है, पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि
देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापो हो और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। मतलब पूरी बात क्या है ये तो हम बता नहीं सकते, लेकिन उस मूर्ति को देखकर ऐसा लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने कि उस प्रशासनिक अधिकारी को देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी ही नहीं है और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान, अच्छी मूर्ति बनवाने में ज़्यादा खर्चा आता, ठीक है, तो कहीं बहुत ज़्यादा खर्चा न हो जाए और काफ़ी समय ऊहापोह हो और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की समय में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा। मतलब काफ़ी समय ऊहापोह चलती रही होगी, ऊहापोह मतलब किससे ये काम करवाया जाए किससे नहीं करवाया जाए, उलझन की स्थिति, ठीक है, और काफ़ी समय चिट्ठी पत्री में बर्बाद किया होगा और फिर बोर्ड की अवधि समाप्त हो गई होगी, जो टाइम देती है वो टाइम समाप्त हो गया होगा और अंतिम समय में क्या निर्णय लिया गया किसी स्थानीय कलाकार से ही यह मूर्ति बनवा ली जाए, ठीक है, और अंत में कस्बे के इकलौते ड्राइंग मास्टर कौन था, हाई स्कूल का ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया होगा और मूर्ति बनाने का काम किसको सौंपा गया, ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को, ठीक है, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे, जो महीने भर में ही इस मूर्ति को बनाकर रख देगा, ठीक है, पटक देना मतलब जल्दी जल्दी में कोई काम करना, ठीक है। आगे है, जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, कितनी थी, 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट और उसको क्या कहा जाता है, बस्ट, कहाँ तक की बनी होती है ये मूर्ति, छाती तक की 2 फुट की संगमरमर मूर्ति बना दी गई। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन भी क्या होता है, सुंदर, फौजी वर्दी में, और किस वर्दी में बनाई है मूर्ति, फौजी वर्दी में, मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते हैं। उस मूर्ति को देखते ही सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिए गए नारे हमें याद आने लगते हैं, क्या क्या नारे थे, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है, फौजी वर्दी में मूर्ति को देखकर लोगों को देशभक्ति की प्रेरणा भी मिलती है। आगे, इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था, देशभक्ति के माध्यम से तो यह है कि लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत हो, इस दृष्टि से तो यह सफल और सराहनीय मतलब प्रशंसा के योग्य प्रयास था, कोशिश थी, केवल एक चीज़ की कसर थी, कमी थी जो देखते ही खटकती थी, जो मूर्ति को कोई देखता तो उसके देखने वाले की आंखों में खटकती थी, मतलब देखने वाले को अच्छी नहीं लगती थी, क्या थी वो, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, मूर्ति तो बना दी उसने लेकिन शायद नेताजी का चश्मा बनाना वो भूल गया, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया, संगमरमर का मतलब चश्मा बनाना भूल गया और उसके क्या चश्मा लगा हुआ था उस मूर्ति पर, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम वाला, ठीक है, चश्मा लगाया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तो उन्होंने इसे लक्षित किया, उस चीज़ को देखा, उस मूर्ति को देखा और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, कौतुक भरी मतलब आश्चर्य वाली एक मुस्कान फैल गई कि वाह भाई यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा क्या है, रियल है, इसको देखकर वो खुश हो गए। आगे है, जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे,
मतलब वो वहाँ से चले गए, लेकिन उनके मन में उस मूर्ति के बारे में ही सवाल आ रहे थे, उस मूर्ति के बारे में ही सोचते जा रहे थे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे, निष्कर्ष मतलब इस फैसले, इस हल पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। ठीक है, कि कुल मिलाकर उन्होंने क्या फैसला, क्या हल निकाला कि कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास, यह कोशिश प्रशंसा के योग्य कही जानी चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है कि मूर्ति कैसी बनी है, कितना कैसा रंग है, कितना कद है उसका, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, उस वह भावना है महत्वपूर्ण, कौन सी भावना, जो देशभक्ति की, महत्व उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। मतलब यह मूर्ति महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, भाव महत्वपूर्ण क्या है, वह भावना है देशभक्ति की जो इन लोगों के मन के अंदर है, ठीक है, वरना आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। क्या होती जा रही है मजाक की चीज़, देशभक्ति। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया, ठीक है, दूसरी बार जब हालदार साहब वहाँ से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में थोड़ा बहुत कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है, दोबारा उसको मूर्ति को ध्यान से देखने की कोशिश की उसने कि कुछ बदलाव तो लग रहा है, लेकिन क्या बदलाव है, तो देखा कि चश्मा दूसरा था, पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है, ठीक है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा, उसका आश्चर्य और बढ़ा, वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है, कि क्या आइडिया है, मूर्ति के कपड़े तो हम बदल नहीं सकते लेकिन चश्मा तो हम बदल ही सकते हैं इसका। तीसरी बार फिर नया चश्मा, हालदार साहब तीसरी बार वहाँ से गुजरे कस्बे से तो तीसरी बार और नया चश्मा था उस मूर्ति पर। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हालदार साहब को उधर देखने की आदत हो गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। हालदार साहब को किस बात की आदत हो गई कि हर बार कस्बे से गुजरते समय वो चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, दुर्दमनीय जिसका दमन न हो सके, जिसको रोका न जा सके, तो एक बार उनका आश्चर्य इतना बढ़ गया कि उसने पान वाले से पूछ ही लिया, उनसे हालदार साहब से रुका नहीं गया पूछे बगैर, उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई क्या बात है, यह है तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है, ठीक है, उसने किससे पूछा, पान वाले से पूछा कि क्यों भाई क्या बात है, हर बार तुम्हारे नेताजी का चश्मा बदल कैसे जाता है। तो पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था, पान वाले के मुंह में क्या था, पान था, भरा हुआ था पान से उसका मुंह। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था, उसकी प्रकृति कैसी थी, कैसे था दिखने में, काला था, मोटा था, खुश मिजाज, हमेशा खुश रहने वाला आदमी था, ठीक है। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आँखों आँखों में हंसा, हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह हंसा, उसकी तोंद थिरकी, तोंद थिरकी मतलब जो बड़ा पेट आगे निकला हुआ होता है उसको तोंद बोलते हैं, उसका पेट हिला जब वह हंसा, तो पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका, ठीक है, और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर, लाल काली बत्ती सी मतलब लाल पान खाने के कारण जो लाल काले दांत हो जाते हैं उसको, लाल काली बत्ती सी दांते दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है, कि यह तो कैप्टन चश्मे वाला करता है, क्या करता है। हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए, मतलब हालदार साहब उसकी बात को समझ नहीं पाए, चश्मा चेंज कर देता है, चश्मा बदल देता है, पान वाले ने समझाया क्या मतलब क्यों चेंज कर देता है। तो हालदार साहब ने दोबारा पूछा कि क्या मतलब क्यों चेंज कर देता है बार बार इसकी मूर्ति का चश्मा, तो हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, हालदार साहब उसकी बात को अब भी समझ नहीं पाए। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसने क्या कहा कि कोई ग्राहक आ गया होगा, उसको चौड़े चौखट चाहिए, उसको चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए होगा, तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो कैप्टन और कहाँ से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया,
ठीक है, तो क्या जवाब दिया उसने पान वाले ने जब हलदार साहब ने पूछा कि वो बार बार चश्मे को बदल क्यों देता है। तो उसने बताया कि कैप्टन नाम का कोई व्यक्ति चश्मे बेचता है और वही मूर्ति पर क्या लगाता है, चश्मा लगाता है। यदि ग्राहक को वैसा चश्मा पसंद आ जाता है, वैसा मतलब जो मूर्ति पर लगा हुआ है, वो चश्मा अगर किसी ग्राहक को पसंद आ जाता है तो वह उसको उतार कर उस ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। हलदार साहब को भी अब यह पता चला कि ड्राइंग मास्टर संगमरमर का चश्मा बनाना भूल गए थे, इसलिए कैप्टन को मूर्ति पर चश्मा लगाना पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हलदार साहब को बात कुछ समझ में आ गई, अब हलदार साहब को थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। बुरी क्या मतलब, उसको दुखी करती है वो बात कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। उसके मन में क्या आता है कैप्टन के मन में, कि चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही होगी, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। इसलिए वो अपनी दुकान में उपलब्ध जो भी चश्मे हैं उन फ्रेमों में से एक फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, दरकार मतलब आवश्यकता होती है, तो वह उस मूर्ति से हटाकर उसको दे देता है और दूसरा नेताजी से क्षमा मांग कर दूसरा उस मूर्ति पर लगा देता है। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।